आज मैं आपके लिए एनल फिशर की बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। अगर आपने इन्हें कर लिया है तो आपकी फिशर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए कुछ काम है जिसे आपको करना है। सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा का हमें जूस बनाना है। एलोवेरा जूस एनल फिशर में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये पाइल्स हो, फेस्टुला हो या फिशर या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ऐसे पेशेंटों के लिए एलोवेरा अमृत के समान है। आपको एलोवेरा की हमने कई सारी रेमेडीज़ भी दी है। एलोवेरा जूस हम घर में कैसे बना सकते हैं उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसे देख के बना सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं फटाफट कि आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए पहले क्या करना होता है, इसके जो साइड्स के कांटे होते हैं उनको निकाल के इसके बीच का जो देखिए इसमें मोटा सा एक वाइट वाला हिस्सा होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, इसे बोलते हैं एलोवेरा का जेल। इस जेल को आपको इस तरह से निकाल लेना, बहुत आसानी से स्पून से या फिर नाइफ से या बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसा हमने निकाला है, अब हम आपको इसका जूस बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि इसे कैसे पीना है कि एनल फिशर की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। अगर आप पाइल्स फेस्टुला से भी परेशान हैं तो आप इस रेमेडी को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। सारी बीमारियों के लिए बहुत अमृत के समान है। आपको जूस बना के हमेशा इस तरह से पीना चाहिए। फ्रेश लीफ है तो आप इसी को यूज़ करिए, नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जूस यूज़ किया करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए इसको हम पानी में इस तरह से धुल दे रहे हैं, धुलना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से धुल के हम छोटे छोटे पीसेज इसको मिक्सी के जार में काट के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस के इसका जूस बना के तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास लीफ है तो आप इसी तरह से ताज़ा जूस ही बनाइए, ये उससे बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो मार्केट का जूस होता है उससे बहुत ज़्यादा असर करता है क्योंकि ये फ्रेश होता है, बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा होता है, इसमें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से देखिए हम इसमें डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस के देखिए हम किस तरह से बना के तैयार करते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपको फ्रेश बनाना है तो आप इस तरह से बना के तैयार करके कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कट किया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी हम इसमें बहुत थोड़ा सा यानी 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें सिर्फ पानी डाल के और इसको पीस लेंगे, क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है, इस तरह से पीसेंगे तो ईज़िली कटता नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, अब हम चलिए इसको पीस के इसको तैयार करके दिखाते हैं कि किस तरह से पीस के तैयार होगा। देखिए जूस बन गया है, अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे से इसके चंक्स भी रह गए हैं, तो आपको इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। तो अगर ये चम्मच से नापेंगे तो 4 से 5 चम्मच एलोवेरा का जूस आपका बन के तैयार हुआ है। ये भी देखिए गाढ़ा है, बहुत ही चिपचिपा सा है। तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी सेवन करना है यानी आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार आपको इस एलोवेरा जूस का सेवन करना है, तो आप जितने क्वांटिटी में आपका जूस है उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें गुनगुना पानी ऐड कर लीजिए। गुनगुना पानी ही मिलाएंगे, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और इस जूस को जो आपका बन के तैयार होता है ये आपके लिए रामबाण दवा से कम नहीं, आपको डेली पीना चाहिए। इसे आपके पेट में जितनी भी दिक्कत है, जो भी आपके घाव की वजह से नसें जो सूज जाती हैं नस मार के, वो सारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगी। तो आपको ये जूस दिन में 2 बार पीना है, एक मॉर्निंग में सुबह खाली पेट पियेंगे और एक शाम के टाइम जब टी टाइम होता है चाय का समय, उस समय आप एक गिलास इस तरह से पी सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव जूस है, तो आप इसे 2 बार दिन में पीजिए। ये हो गया आपका पहला ट्रीटमेंट कि आप इसको पीना क्या है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है। अब देखिए हम इसमें बताने का, आपको स्वाद इसका हल्का होता है, फीका होता है, स्वाद के लिए अगर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल लीजिए या थोड़ा शहद इसमें ऐड कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा टेस्टी भी लगे। तो आप अपने हिसाब से इसको और टेस्टी बना सकते हैं, आपको इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा या तो काला नमक मिला लीजिए या फिर हनी। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है, आपको बहुत ज़रूरी है सिजवात करना। सिजवात अगर आप नहीं करेंगे तो चाहे पाइल्स है, फेस्टुला, फिशर है, तीनों बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, क्योंकि सिजवात बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसको करने से जो घाव में जो उसके डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे आपके घाव जल्दी सूखते हैं। तो सिजवात बहुत इफ़ेक्टिव है, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मंगाना चाहते हैं सिजवात टब तो आप उसे मंगा सकते हैं, 500 रुपीज़ के अंदर ही आ जाता है। अब ये देखिए अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक टब ले लीजिए, कोई भी पुराना घर में पड़ा हो उसमें डालिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, फिशर के जो ऊपरी दरारें पड़ जाती हैं वहाँ का एरिया बिल्कुल डेड, उसकी जो सेल्स होती हैं वहाँ की स्किन की वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल
कड़े कड़े से हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से कैस्टर ऑयल इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अरंडी का तेल या अंडी के तेल के नाम से भी जाना जाता है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे मंगा लीजिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो आप इस तरह से पानी में 1 से 2 चम्मच डालिए, 20 से 25 मिनट सिकाई करना है। इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है कि किस तरह से आप सिकाई करेंगे, हम आपको लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आपको सारे वीडियोज़ अपने आप देखने लगेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि कब्ज बहुत बड़ी समस्या होती है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, तीनों बीमारी में का ही कारण ही मेन रीज़न होता है ये कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, 1 ग्लास गुनगुना दूध ले लेना है, उसमें आपको कैस्टर ऑयल यूज़ करना है। कैस्टर ऑयल इसमें 3 से 4 चम्मच रात के समय जब सोने जाते हैं, सोने के समय आप इस रेमेडी को यूज़ करिए, 3 से 4 चम्मच आप डाल दीजिए कैस्टर ऑयल, इसमें डाल के गुनगुने दूध में आप रात को पी के सो जाइए। इसको आप कम से कम 1 हफ्ते लगातार आप करिए। जब आपका कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाए, आपका जो स्टूल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इजली पास आउट होने लगे, तब आप इस रेमेडी को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप पूरी आप हमेशा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है त्रिफला चूर्ण, उसको आप डेली खाया करिए। त्रिफला चूर्ण बहुत इफेक्टिव होता है, उसको खाने से आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं होगी, उसे आप हमेशा खा सकते हैं। तो उसे आप उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं कि आप कितने दिन खाइए, 5 से 6 महीने खाइए, फिर आप 2-4-10 दिन के लिए आप बीच में गैप कर दीजिए। इस तरह त्रिफला चूर्ण आप लगातार खा सकते हैं। अब ये देखिए कैस्टर ऑयल आपको अपने स्किन पे जो इफेक्टिव एरिया है वहाँ पे कैस्टर ऑयल लगाते रहना है। आपको करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन जो ड्राई हो जाती है उसे कभी भी ड्राई मत छोड़िए, हर समय आप उस पर या तो कुछ नहीं है तो कोकोनट ऑयल ही लगाइए या फिर एलोवेरा जेल आप निकाल के उसको लगाइए। हमने एलोवेरा की क्रीम भी बता के दी है किस तरह से उसमें कोकोनट ऑयल डाल के बनाते हैं, आप उस क्रीम को बना लीजिए। और एक रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव हमने दिया है ओनियन और घी का, आप उसे बना के घर में रख लीजिए, उसको अपने इफ़ेक्टिव एरिया पर लगाइए। कई सारी ऐसी रेमेडीज़ दी हैं जो आपको लगाने के लिए है, खाने पीने के लिए है, कई सारी रेसिपीज़ भी हैं, आप चैनल पर जाके देखिए, आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। आप इस तरह से अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी फिशर की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिशर में बहुत ज़रूरी है कि उस स्किन को बहुत ध्यान देना है, इसलिए आप उसे कभी भी ड्राई मत छोड़िए। आप दिन भर जब भी आपको टाइम मिले आप उस पर कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल या फिर ओनियन और घी वाला जो हमने क्रीम बताया उसको आप लगाइए, या फिर ये कैस्टर ऑयल, हमेशा उसको हमेशा आपको ड्राई नहीं रखने देना है, उसे हमेशा वेट रखना है। तो एरिया आपके जल्दी से जल्दी जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपके जो ड्राईपन है उसमें जो ऊपरी स्किन है वो डेड सेल निकल जाएंगे और आपकी न्यू स्किन आ जाएगी और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको हमेशा पेट को हाइड्रेट करना है, दिन भर आप गुनगुना पानी पीने की कोशिश करिए, जितना गुनगुना पानी पियेंगे पेट के अंदर के जितने टॉक्सिन्स हैं वो निकलते जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी। फाइबर से रिच आपको फूड खाना है जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आप खाना खाइए, उसको खाएंगे तो आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी। साथ साथ हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको करेंगे तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये सारी चीज़ अगर आप छोटी छोटी चीज़ ध्यान देंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएंगे तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर दूसरों के साथ शेयर करिए, और कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ये सारी चीज़ फॉलो करिए, फिर आप देखिए आपकी बीमारी कैसे जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।